In this problem, we are given a sphere जिसका radius दे रखा 20 सेंटीमीटर और कहा गया है इस sphere पे charge है q is equal to minus 1 nanocoulomb. इस sphere के center से 50 सेंटीमीटर के distance पे small r is equal to 50 सेंटीमीटर के distance पे एक point है b जहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है 1 nanocoulomb का small q is equal to 1 nanocoulomb यहाँ रखा हुआ है. आपसे इस पॉइंट P पर पोटेंशियल पूछा गया है जो लाइन AB पे लाई करता है और सेंटर से D इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है. तो P का पोटेंशियल निकालने के लिए हमने क्या किया, हमने बोला यार सबसे पहले तो क्योंकि ये मेटलिक स्फेयर के अंदर के पॉइंट्स हैं, अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड तो है नहीं, इसलिए A का पोटेंशियल और P का पोटेंशियल बराबर है. तो अगर आपको P का पोटेंशियल पूछा गया है तो आप सिंपली बोल सकते हो VP इज इक्वल टू VA. इसलिए आप A का पोटेंशियल निकालिए, वो अपने आप ही P का पोटेंशियल आ जाएगा. अब VA है कितना, VA निकलेगा. अब देखिए ये जो चार्ज कैपिटल Q है ये पूरा का पूरा इस स्फेयर पे डिस्ट्रीब्यूटेड है आउटर सरफेस पे. तो क्योंकि ये आउटर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है स्फेयर के, ये सारा का सारा चार्ज किधर कितना उसका मुझे मतलब नहीं, इधर चार्ज पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, तो ज्यादातर नेगेटिव चार्ज इधर होगा कुछ इधर होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा बिल्कुल सही बात है, पर जहां भी ये चार्ज जाएगा इस स्फेरिकल सरफेस पे हर चार्ज इस पॉइंट ए से कितने डिस्टेंस पे होगा, आर डिस्टेंस पे होगा क्योंकि स्फेयर पे एक सारे चार्ज का डिस्टेंस कितना है, कैपिटल आर. इसलिए इस कैपिटल क्यू की वजह से पॉइंट ए का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कि कैपिटल क्यू बाय आर प्लस इस स्मॉल क्यू की वजह से ए का पोटेंशियल कितना है, इस स्मॉल क्यू से ए डिस्टेंस कितने पर है, आर इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर. दैट मीन्स इसकी वजह से पोटेंशियल आ गया के क्यू बाय स्मॉल आर विच इज इक्वल टू, बस सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम आंसर निकाल सकते हैं क्या आएगा, के टाइम्स कैपिटल क्यू बाय कैपिटल आर. कैपिटल क्यू कितना है, माइनस वन नैनोकूलम, तो माइनस वन इंटू 10^-9 अपॉन आर कितना है 20 सेंटीमीटर. दैट मीन्स 2 × 10^-1 meters plus k cube by small r. तो small k तो कमाना चुका, क्या बचा small q by small r. small q कितना है 1 nanocoulomb. That means 10^-9 coulomb upon small r कितना है 50 centimeter. That means 5 × 10^-1 meter which is equal to 9 × 10^-9. नीचे कितना आएगा, ये 20 सेंटीमीटर है 50 सेंटीमीटर है, आपका एलसीएम आ गया 1 मीटर, ऊपर कितना आ जाएगा 5 से मल्टीप्लाई होके −5 × 10^-9 प्लस 2 × 10^-9. तो 10^-9 जाके 10^-9 से कैंसिल हो गया, क्या बचा, दिस इंप्लाइज पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू 9 टाइम्स −5 + 2 / 1 विच इज इक्वल टू −27 वोल्ट. तो ए का पोटेंशियल कितना है, ए का पोटेंशियल है −27 वोल्ट. दिस इंप्लाइज पोटेंशियल एट पी कितना है, ये भी है −27 वोल्ट. यही आपका आंसर है, ए का पोटेंशियल इज इक्वल टू पी का पोटेंशियल इज इक्वल टू −27 वोल्ट.